कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ महिलाएं मेरे से मिलने आई थी। वो महिलाएं बहुत ही दुखी थी, बहुत चिंतित थी और रोते हुए उन महिलाओं ने मुझसे कहा था कि उनके साथ रेप हो रहा है, उनके साथ छेड़खानी हो रही है, उन्हें मोलेस्ट किया जा रहा है। और जब मैंने उन महिलाओं से पूछा कि क्या मैं यह विषय पुलिस को बताऊं, तो उन महिलाओं ने राहुल गांधी जी को कहा कि नहीं, आप ये विषय पुलिस से मत बताइए, उससे हमारी उलझनें और बढ़ जाएंगी। यह सब राहुल गांधी जी ने दिल्ली के भाषण में भी दोबारा दोहराया था। आप बताइए, ये देश संविधान से चलता है और स्वाभाविक रूप से जो देश संविधान के अनुसार चलता है, क्या ये पुलिस का कर्तव्य नहीं है, दायित्व नहीं है? यदि किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी महिला के साथ रेप हुआ है, किसी महिला के साथ बदसुलूकी हुई है और राहुल गांधी जी देश के एक सांसद के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या यह जानकारी पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए? और अगर पुलिस नोटिस लेके राहुल गांधी जी को डिलीवर करती है, राहुल गांधी जी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राहुल गांधी जी पुलिस से मिलते नहीं हैं और आज पुलिस दोबारा कानून के अंतर्गत नोटिस डिलीवर करने राहुल गांधी जी के घर पर जाती है, 2-3 घंटे इंतज़ार करती है, राहुल गांधी जी से मिल करके उन्हें नोटिस डिलीवर करके उनसे निवेदन करती है कि उन महिलाओं के बारे में हमें बताइए ताकि संविधान के अनुसार कानून के हिसाब से हम काम कर सके, पूरे कांग्रेस में हाहाकार मच जाती कि लोकतंत्र खतरे में, हम परेशान हो गए। ये राजशाही से कांग्रेस को निकलना चाहिए, ये राजशाही नहीं चल रही है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, संविधान शाही है और स्वाभाविक रूप से संविधान शाही में ना कोई शहनशाह है और ना कोई शहजादा है। ये जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके शहजादे कानून से ऊपर हैं, यह विषय उचित नहीं है। जो भी जानकारी राहुल गांधी जी के पास है, उन्हें संविधान के अंतर्गत उसे पुलिस और कानून के व्यवस्था के साथ साझा करना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।